हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिश दोस्तों आ गया हूँ आपके सामने एक फोन का इन्फॉर्मेशन लेके। दोस्तों आज का जो फोन है इंटेक्स क्लाउड स्ट्रिंग HD, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसके बारे में जानेंगे हम, इसका जो डिजाइन है, प्राइस है, स्पेसिफिकेशन है, सभी चीज के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों इसके डिजाइन के बारे में पहले हम जानते हैं और इसके प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस आ रहा है दोस्तों 5599 आ रहा है इसका प्राइस। इसमें जो डिजाइन आ रहा है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कैसा डिजाइन आ रहा है। आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा कैमरा, सेंसर एंड स्पीकर, नीचे में 3 बटन, राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन, ऊपर में 3.5 mm का जैक लगाने का जगह दिया हुआ है। नीचे अगर हम देखें तो वहां पे माइक एंड चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। बैक साइड अगर हम देखें वहां पे आपको मिल जाएगा कैमरे के साथ डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा और वहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, आप चुटकियों में लॉक खोल सकते हैं अपना फोन का। तो ये हो गया दोस्तों, और उसके नीचे इंटेक्स का लोगो है और वहां पे स्पीकर भी दिया हुआ है और पीछे बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ गोल्ड कलर से। तो ये बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, इंटेक्स का माल बहुत अच्छा है डिजाइन में। तो चलिए दोस्तों अब इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, इस प्राइस रेंज में कैसा स्पेसिफिकेशन आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में पहले हम डिस्प्ले जानेंगे दोस्तों, डिस्प्ले में क्या है। डिस्प्ले में आपको 5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, HD IPS डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपका रेजोल्यूशन होगा 720x1280 पिक्सल का। तो ये हो गया रेजोल्यूशन दोस्तों। अब हम जानते हैं इसका PPI, पिक्सल पर इंच आपको 294 का मिलेगा। तो ये हो गया पूरा डिस्प्ले के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों इसका इंटरनल पार्ट के बारे में। इंटरनल पार्ट में आपको 8GB का इंटरनल मेमोरी मिल जा रहा है, जिसके साथ आपको 32GB तक उसको बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के, और उसमें आपको 1GB का रैम मिल जा रहा है और 1.3GHz का क्वाड कोर स्प्रेड ट्रम का प्रोसेसर मिल रहा है दोस्तों। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम जानते हैं इसका GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपको माली का 400 का GPU मिल रहा है। तो पूरा हो गया इंटरनल पार्ट। अब हम जानते हैं दोस्तों कैमरे के बारे में। कैमरा जो है दोस्तों 8 MP का रियर कैमरा मिल रहा है, मतलब उसमें आपको डुअल LED फ्लैश के साथ मिलेगा, f/2.2 का एपरेचर होगा दोस्तों। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है दोस्तों, उसके साथ कोई फ्लैश नहीं मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों कैमरे की बात। अब हम जानते हैं दोस्तों इसके बैटरी एंड अदर चीजों के बारे में। बैटरी जो है 2200 का बैटरी मिल रहा है दोस्तों, और इस फोन का वेट आएगा 150 grams का। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। तो हमने जाना इस फोन में बहुत कुछ है, 4G है फोन, 4G फोन है, 3G भी चलेगा, 2G भी चलेगा, एंड हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी इस फोन में देखने को। और इसका जो टॉक टाइम देगा बैटरी का, मतलब 2200 का एमएच का जो बैटरी है उसमें टॉक टाइम आपको 7 hours का देगा। और अगर स्टैंड बाय मोड में अगर रखते हैं 190 hours तक दे सकता है। तो ऐसा है, कंपनी ऐसा बोल रही है। तो पूरा स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करता हूँ। तो मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों कि ये जो प्राइस रेंज है 5599, इस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको मिल रहा है 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है, 1GB का रैम मिल रहा है, 8GB का इंटरनल मेमोरी, और उसके साथ आपको देखने को मिल जा रहा है 8 MP का बैक कैमरा जिसका एपरेचर बहुत ही अच्छा है, f/2.2। तो आपको बहुत चीजें इसमें मिल जा रही है इस प्राइस रेंज में। और सबसे बड़ी बात, इस फोन का सबसे खासियत है ये कि बैक में आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिससे कि आप चुटकियों में लॉक खोल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है इस फोन का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतने कम प्राइस रेंज में कंपनी इतना अच्छा अच्छा फीचर्स दे रही है, तो बहुत ही अच्छा है। 2200 का एमएच का बैटरी दे रही है, तो बहुत ही अच्छा है ये फोन। मैं इतना कहना चाहूंगी, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, जो सोशल मीडिया चलाते हैं और जो थोड़ा बहुत कॉल करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये फोन। बेसिक यूज के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक यूज क्या, आप बहुत कुछ इसमें कर सकते। तो दोस्तों इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इसे अगर स्टार देना हो, इसे रेटिंग देना हो, तो 5 में से मैं इसे 4 रेटिंग दूंगा दोस्तों। तो यही मेरा कहना है। आपको कैसा लगता है दोस्तों मेरा ये सुझाव जान के, आप इसे जज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।